पान की खेती तो ये हमारा पारिवारिक जो है। पान सिर्फ एक पत्ता नहीं है। टाइम पे आप ये देख सकते हैं, मटका है। तो मेरे पीछे ये जो आप शेड देख रहे हैं, जो कि कांच या सरपत का बना हुआ है, इसके पीछे छुपा हुआ है स्वाद, संस्कृति एवं औषधीय गुणों का राज। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इन घनी झाड़ी और जंगलों के बीच से गुजरना पड़ा। तो दोस्तों आइए, अब मैं लेके चलता हूँ आपको इस शेड के अंदर और दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है पान की खेती। जी हाँ, यहाँ पे पान की खेती की जा रही है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे देश विदेश में पान का क्या कल्चर है, जिसका सांस्कृतिक महत्व है, औषधीय महत्व है और स्वाद के लिए तो जाना ही जाता है। हमारे महोबा जैसे जिले को GI टैग मिला हुआ है और बनारस के पान के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो देर ना करते हुए आइए हम बात करते हैं जो यहाँ के किसान है उनसे। पान की खेती तो ये हमारा पारिवारिक जो है, ये खेती हमारा आजा पुरखा परदादा मतलब सब करते आए हैं, तो इसमें हम लोग लगे हुए हैं और इससे प्रोत्साहन हमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से भी मिल जाता है तो कर पा रहे हैं। वरना इसमें ऐसे ऐसे रोग, ऐसे ऐसे मतलब वो लगते हैं कि इसका कोई बचाव, कोई दवा जल्दी कर नहीं पाती। खेती अगर हो गई तो फायदा है, वरना हम लोगों को नुकसान ही नुकसान है। अगर एक बेल सूख गई तो एक बेल से 10-15-20 पान का नुकसान हो गया। हाँ, तो ऐसे ऐसे अगर 100 पौधे सूख गए तो 20 दाम में 2-3-4 हज़ार का नुकसान हो गया। तो इस तरीके से खेती है। यहाँ हमें इन्होंने ये बताया कि क्या चैलेंजेस है पान की खेती में, क्या फायदे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी किस तरह से ये अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल भी है जो ये परंपरा अभी तक जीवित है। सरकार इन किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, जिससे ये इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पान की खेती में हमारे प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत ही बड़ा रोल है। जैसा कि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले को GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। वहाँ का पान सबसे बेस्ट क्वालिटी का पान होता है। दोस्तों ये पान सिर्फ एक पत्ता नहीं है, ये सदियों से हमारी संस्कृति का, मेहमान नवाजी का, और आप कहीं भी पीछे चले जाएंगे हर जगह हमें पान देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। हम तोड़ते हैं इस पौधे को और इसकी फैमिली की बात की जाए तो ये पिपरेसी फैमिली, मतलब कि जिस फैमिली की काली मिर्च होती है उसी फैमिली का ये पान का पत्ता भी होता है। इसकी बेल होती है छोटी छोटी और ये बेल चढ़ाई जाती है। ये गर्म और नम जलवायु का पौधा है, इसके लिए हमारे छाये की बहुत ज़रूरत है। इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, डायरेक्ट धूप अगर लगेगी तो हमारा ये पान का पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। दोस्तों ट्रेडिशनल तरीके से इसका सिंचाई का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि आज के टाइम पे सबमर्सिबल और कुछ सिंचाई के ऐसे साधन हो गए हैं जिससे किसान आसानी से सिंचाई कर पाते थे, लेकिन पहले के टाइम पे आप ये देख सकते हैं, मटका है जिसको गेबुआ के नाम से बोला जाता था। हमने अंकल जी से बोला, उन्होंने बताया इसको गेबुआ बोलते हैं, और इसको इस तरीके से गड्ढे से पानी भर के और ऊपर से पान के पत्तों पे डाला जाता था। दोस्तों इस वीडियो के लिए हमने काफी मेहनत की और इस खेती के तरीके को बरेजा सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन बोलते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेटिव आपको जरूर मिला होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको तो पता ही है एक वीडियो शूट करने के लिए कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं।